हीरोइन बने के बातो बतिया लमान सेटिंग पर डूसर से बनाला हीरोइन बन जाइबू एजान। चुतियों लोग से चाहती हूँ जो कमेंट करते हैं गलत गलत, क्या आप उनके साथ में, उनकी माँ बहन के साथ में अगर ऐसा होता उनकी बेड शेयर करने के लिए बोला जाता है, मतलब जब तक सो गए नहीं तब तक तुमको हम कोई काम नहीं देंगे, तो यही कहर। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी के एक्ट्रेस रिया चटर्जी और सिंगर बुधन बेदर्जी जी जुड़ चुके हैं, हम इनसे बात करेंगे। अभी इनका एक नया नया जो गाना शूट हुआ है और वो बहुत ही जल्द जो है रिलीज होने वाले हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत जोश तक न्यूज में। जी जी, आपको भी नमस्ते है और जितने भी जोश तक न्यूज देख रहे हैं मेरे श्रोता सबको प्रणाम है। आपको भी, आपको भी प्रणाम है और जितने भी जोश तक न्यूज को देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं आप सबका भाई सिंगर बुधन बेदर। अच्छा, अभी आपका एक जो है गाना रिलीज होने वाला है, वीडियो वगैरह शूट हुआ है, शूटिंग हुआ है, तो वो कब रिलीज होगा और क्या है गाना का बोल थोड़ा बताएंगे आप? ये गाना मेरा कल सुबह 6 बजे सुबह मॉर्निंग में रिलीज होगी, फटाफट भोजपुरी वायरल चैनल का नाम है, फटाफट भोजपुरी उसी चैनल से रिलीज। जी उसी चैनल से, उसका टीजर वगैरह आ गया है। एक्ट्रेस रिया जी है? हाँ, उसमें रिया जी काम की हैं। आप पूछ लीजिए कैसा लगा इस सॉन्ग में काम करके। अच्छा रिया जी, कैसा लगा काम करके? बहुत अच्छा लगा। कैसा गाना था? गाना तो बहुत अच्छा है, जो आजकल सोशल मीडिया पे जो लड़कियां लोग रोती हैं कि शोषण होता है बहुत ज्यादा, काम कम होता है, तो इसी मैटर पे गाना है। उसी मैटर पे गाना है जी। कितने दिन का शूटिंग हुआ था? एक दिन का जी। एक दिन में कंप्लीट हो गया? हाँ, एक दिन में कंप्लीट। अच्छा गाना का बोल क्या है और किसने लिखा है गाना? ये गाना राइटर जी लिखे हैं, रसिया राज, और ये गाना थोड़ा सा मैं गुनगुना देता हूँ। ये गाना ऐसे है कि बारूद बोरी सुनर हो, नाचे गावे के बहुनर हो, हीरोइन बने के बात बतिया लमान, हीरोइन बने के बात बतिया लमान, सेटिंग पर डूसर से बनाला हीरोइन बन जाइबू एजान। मतलब भोजपुरी में कभी प्रोड्यूसर को कभी एक्टर को, मतलब गाना उसी के ऊपर निकाल रहे हैं, कोई मैथ टीचर पे निकाल देते हैं, क्या सब चल रहा है? ये देखिए, हमारे राइटर जी ज्यादा जानेंगे इस विषय में और यही लिखे हैं रसिया जी। आप कहेंगे तो मैं बात करा दे सकता हूँ, उनसे भी समझ सकते हैं। नहीं नहीं, अच्छा एक चीज बताइए, देखिए एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, भोजपुरी का एक ऐसा गाना है जो नहीं भी सुनना चाहते हैं डीजे पे वो सुनते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं, अच्छी बात है, अच्छा लगता है, अच्छे भी गाने हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग जो इस तरह के गाने निकालते हैं, अच्छा गाना है, इसमें भी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हाँ ये फिर उससे आप प्रोड्यूसर को घसीट दिए, अब किसी दिन एक्टर को घसीट दीजिएगा, कोई अब टीचर को घसीट रहे, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि भोजपुरी में इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो अच्छा है। नहीं नहीं देखिए सर, ये गाना रसिया राज जी हमारे लिखे हैं, तो बेटर वही आपको समझा पाएंगे। और ये गाना जो अभी सोशल मीडिया पे कुछ लड़की कुछ एक्ट्रेस आके रो रही है कि हमारे साथ मतलब बेड शेयर करने के लिए बोला जाता है, मतलब जब तक सो गए नहीं तब तक तुमको हम कोई काम नहीं देंगे, तो यही इसी आधार को। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं? काहे कि कमेंट में तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि जिससे आप कमाते हो खाते हो और उसी को बदनाम करते हो, तो ये नहीं लग रहा है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं? नहीं नहीं भैया, बदनामी की बात नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है, जो है उसी आधार पे गाना है। और मैं कह तो रहा हूँ आपको कि अधिकतर वही होगा कि हमारे राइटर जिससे आप बात कीजिए, उन्होंने उनको जो मतलब लिरिक्स लिखे हैं तो उनको बेटर पता होगा कि हम क्या लिखे हैं, क्या तर्ज है। ठीक है ठीक है, आप उनको कॉल लगाए। अच्छा रिया जी, आप बताइए जिस तरह से गाना का बोल है, आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं आप लोग भोजपुरी से ही कमाते खाते हैं, ठीक, और उसी को बदनाम कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? बदनाम कहाँ से कर रहे हो? हाँ तो प्रोड्यूसर को बदनाम कर रहे ना, सेटिंग करवा लो फिर काम मिलेगा। हाँ तो कुछ लोग हैं ना, देखिए कुछ चंद लोग हैं, पूरा इंडस्ट्री की बात नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे भैया, कुछ लोग हैं चंद लोग जो शोषण के लिए बैठा। आप मेरे राइटर जी से, हेलो। हाँ देखिए, अभी अभी जो ये गाना जो लिखे हुए हैं जो रिलीज होने वाला है, वो राइटर जो है लाइन पे है, उनसे बात करेंगे। हेलो जी, हेलो जी, आप गाना कौन सा लिखे हैं, थोड़ा वो बोल बताएंगे गाना का बोल क्या है? जी अभी तो हमारा टीजर आया हुआ है कि सेटिंग प्रोड्यूसर से करा लो। हाँ तो ये क्या है भैया, ये एक चीज बताइए, आप एक राइटर हैं और इस तरह से आप लोग गाना को लिखते हैं, फिर कल कंदील कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दीजिएगा, आप लोग भोजपुरी से ही कमाते खाते हैं, भोजपुरी को ही बदनाम करते हैं, तो बताइए कहाँ तक सही है?
देखा देखिए सर, कहा जाता है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वस्तुओं से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। जो चीज हम मतलब कह रहे हैं जो सत्य है वो सत्य है, अब जो सत्य है वो देखिए कोई सही बात है ये चीज मानते हैं। देखिए सच्चाई देर जरूर लगती है लेकिन सच्चाई सामने आती है, ये बात हम आपका मानते हैं। लेकिन कमेंट में सबसे ज्यादा यही भर भर के कहते हैं आप लोगों को कि आप लोग जिससे कमाते खाते हो उसी चीज को बदनाम करते हो। क्या आपका आपके पास है प्रूफ है, आपके पास प्रूफ है ऐसा कोई कि हाँ कोई प्रोड्यूसर या ऐसा कुछ करते हैं? प्रूफ है ना सर, प्रूफ आप तो मीडिया से है, आप नहीं जानते होते तो हम आपको प्रूफ दिखाते, प्रूफ आपके सामने घूम रहा है, सब कुछ आपके सामने आया। अच्छा अच्छा आपका शुभ नेम क्या है? मेरा नाम रसिया राज है। रसिया राज, राइटर रसिया राज जी। चलिए चलिए आपसे हम फिर बात करेंगे, मिलेंगे। दोस्तों अभी जो है राइटर रसिया राज से बात कर रहे थे, इन्होंने गाने को लिखा है और ये जो है उनको गाए हुए हैं। अच्छा आपको गाने का तो पैसा मिलता होगा? गाने का मैं कंपनी के लिए गाता हूँ, जैसे कि ये कंपनी अभी राघवेंद्र सिंह प्रताप जी जो है वो हमारे सर है, वही वो गाना को रिलीज किए अपने कंपनी से, कल सुबह मॉर्निंग में 6 बजे आएगी। मॉर्निंग में 6 बजे जी। अच्छा आपको क्या लगता है रिया जी, जो गाना अभी आ रहा है ये क्या सही में अच्छा है कि ऐसा होता है? गाना तो बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो ऐसा करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे लोग ऐसे नहीं है। और आप उठाकर सारी लड़की का वीडियो देख सकते हैं, जो अभी 10-20 लड़की तो वहीं चुकी होगी जो रो रो कर बोलती है कि ऐसे मेरे साथ हो चुका। तो मैं कहना चाहती हूँ उन लड़कियों लोग से कि आप लोग प्लीज किसी के झांसे में ना जाओ, ठीक है? अब आप लोग झांसे में चली जाती हो, काम भी कर लेती हो गलत, फिर उसके बाद काम नहीं मिलता है तो आकर रोती हो। कहीं लड़कियों का ही ना गलती है, अब कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लड़की में ही गलती होती है कि ऐसा, आप लड़कियों को भी बोल सकते थे गाने में। बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है ना जैसे मैं आपको बताऊं सर, लड़की का कमी तो है ही, इसमें होता क्या है ना कि अगर लड़की का कमी है, अगर लड़की बात कुछ है ऐसे कि झांसा में जाती है और कुछ नहीं जाती है, उनको प्रोजेक्ट भी नहीं मिलता, अपने घर बैठे रहो, उनको कभी नहीं बुलाएगा कोई डायरेक्टर, कोई वीडियो डायरेक्टर नहीं बुलाएगा, आपको फोन ही नहीं करेगा क्योंकि आपसे कोई उनको है ही नहीं, और दूसरा काम कर लेंगे, बहुत सारा भारत में काम है दुनिया में। वो तो देखिए काम बहुत सारा है, ऐसी नहीं है कि मतलब वो तो है, लेकिन अगर खुद पे टैलेंट ही है ना सर तो बहुत आगे तक जा सकते हैं। मैं अभी आवाज इसलिए उठा रहा हूँ, मैं यही कहता हूँ कि जितने भी मॉडल जितने भी एक्ट्रेस के साथ गलत हुआ है ये सब अपने टैलेंट के बल पे आगे बढ़ो, और कोई अगर तुमको कहता है कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करो या तुम ये करो तो मैं तुमको रातों रात स्टार बना दूंगा, तो प्लीज सबसे हाथ जोड़ के मेरी यही विनती है कि किसी के झांसे में मत आओ। अगर काम तुम्हारे अंदर टैलेंट ही होगा तो माता रानी तुम्हें खुद ऊपर देख रहा है ना। चलिए बाकी जो है इनका गाना आने वाला है, रिलीज होने वाला है, फटाफट फटाफट भोजपुरी वायरल वायरल से आ जाके आप लोग देखिए। और मैं कहना उन चुतियों लोग से चाहती हूँ जो कमेंट करते हैं गलत गलत, क्या आप उनके साथ में, उनकी माँ बहन के साथ में अगर ऐसा होता, उनकी बेटी के साथ में ऐसा होता तो क्या वो आवाज नहीं उठाते? बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर वो लोग गलत कमेंट क्यों करते हैं? हम लोग एक्टर हैं। देखिए ये लोग एक्टर हैं, ये लोग देखिए पहले तो सबको आजादी है बोलने की, अगर मेरे मेरे मन में कोई बात है कोई चीजें हैं तो हम पब्लिक के सामने रख सकते हैं, तो उल्टा सीधा कमेंट करने से पहले एक बार सोच जरूर लीजिएगा, उल्टा सीधा कमेंट ना ही करें तो अच्छा रहेगा। काहे कि बहुत सब लोग उल्टा सीधा कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो है बस एक दो ही लोग हैं जिनको मतलब चूल मची है कि कहीं अश्लीलता का पोल खुल ना जाए, बस वही लोग को थोड़ा मैं बता दूं, लोग कमेंट कर रहा है कि आप लोग भोजपुरी से खाते हो जीते हो, भोजपुरी को बदनाम कर रहे हो जी, ये चीज तो हम भी कहेंगे। देखिए भोजपुरी में काफी सारे लोग को रोजगार मिला है, काफी लोग कमा खा रहे हैं, अच्छा लाइफ जी रहे हैं, कार से घूम रहे हैं, ये चीज हम भी कहेंगे, तो भोजपुरी को ऐसे बदनाम मत होने दीजिए, बचा लीजिए उस। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा इंडस्ट्री खराब है, कुछ चंद लोग हैं चूतियों हैं जो बोलना पड़ जाता है मुझे सर, नहीं तो मैं क्यों बोलूंगा, जब तक मैं बोलूंगा नहीं हमारे दर्शक जो है उनको कैसे पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता है, रियल क्या है रील क्या है, इसलिए मुझे मजबूरी बोलना पड़ता है। हम लोग तो खुद सोचते हैं सर, आगे देखिए हमारे पवन सर हैं, खेसारी सर हैं, कितने आगे तक भोजपुरी को पहुंचाए हैं, तो हम लोग जितने छोटे कलाकार हैं खुद सोचते हैं कि मतलब कैसे वहां तक पहुंचे कि हम लोग का काम मिले एक पवन सर के एल्बम में, हम लोग तो तरसते हैं, लेकिन बीच में ये लोग जो चुतिये लोग हैं ना कुछ, ये लोग की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है लड़की लोग। बाकी बात सही है कि रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, बाकी बात इनका गाना आता है आप लोग जाके देखिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है क्या खराब लगता है, कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी बात आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल पर देखें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जोश तक न्यूज के लिए जय हिंद।